you नमस्कार कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है आज हम जो प्राकृतिक संपदा है उसके बारे में कुछ बात करेंगे आज हम पहुंचे हैं ढोर मंदिर के बगल में जो गंडकी नदी बहती है उसी के पास क्योंकि पानी का जलस्तर बिल्कुल सूख चुका है पानी है नहीं नदी में नदी के पुल के नीचे हम हैं जो नई नया पुल बना है उसके नीचे हम हैं हम आपको दिखाना यह चाहते हैं कि जहां बसावट होता है वहाँ गंदगी का कितना बड़ा अंबार लगता है चाहे बाज़ार हो चाहे गांव हो चाहे लोग हो नदी को ये नदी एक प्राकृतिक संपदा है इसको बचा कर रखना हमारा काम है क्योंकि इससे हमारा जीवन चलता है मनुष्य के लिए ही नदियों का निर्माण हुआ ईश्वर ने दिया ऐसा कहा जाता है कि भागीरथी ने जन कल्याण के लिए शंकर से यह मांग की और गंगा को धरती पर लाए और आज नदी के रूप में नदी का क्या दशा है यह दशा आप दे सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं कि इधर जो दृश्य आप देख रहे हैं मुझे हंसी आती है कि इस पर शासन प्रयासन या पर्यावरण विद जो होते हैं या पर्यावरण जो विभाग होता है उसका थोड़ा सा भी नज़र नहीं है ये देखिए ये नदी जो आप देख रहे हैं नदी के किनारे पर बसावट हो चुका है अब मुझे पता नहीं चलता कि यह जो ज़मीन है यह ज़मीन नदी का है या निजी है बारिश के मौसम में जब जल का स्तर बढ़ता है तो बाढ़ की स्थिति बनती है क्योंकि नदी के मुंह को घेर दिया जाता है और नदी के मुंह को रोक दिया जाता है चाहे वो गंदगी से हो या घर बना करके हो आप यह दृश्य देख सकते हैं हम नदी के पेटी में यानी पुल के नीचे हैं थोड़ा सा हम चाहेंगे कैमरामैन सोनू कुमार जी से कि नदी के नीचे का जो पार्ट है उस पार्ट में जो गंदगी है उस गंदगी को आप दिखाए में में सारे लोग निधड़क कोई शासन प्रशासन यहाँ पूछने वाला नहीं है कि नदी में ये क्यों फेंक रहे हैं बारिश होगी फिर पानी आएगा जल स्तर बढ़ेगा ये गंदगी लेके चला जाएगा पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा मुझे दिखाना विशेष चीज़ है मैं चाहूँगा सोनू कुमार जी ये पुराना पुल दिखाएँ आप पुराना पुल के बगल में जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो किसी व्यक्ति का घर है कोई रोकने वाला नहीं है कोई टोकने वाला नहीं नदी किसी की बपौती है क्या नदी किसी की निजी संपत्ति है क्या तो नदी में घर बनाने का अधिकार किसने दिया नदी के रास्ता को रोकने का अधिकार किसने दिया इसको कौन पूछ सकता है कौन जान सकता है आप कैमरे की दृष्टि से देख सकते हैं जब बारिश में थोड़ा सा भी पानी होता है तो गांव का गांव डूबने लगता है क्योंकि नदी का मुँह साफ़ नहीं होता नदी का रास्ता साफ़ नहीं होता वह जलप्रपात वह जल धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ता है और गांव की आबादी इससे प्रभावित होती है धीरे धीरे करके अगर कोई पूछेगा नहीं कोई जानेगा नहीं शासन प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं लेगा तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि नदी के पेटी में यानी पुल के नीचे भी लोग अपना मकान बना लेंगे मुझे ऐसा उम्मीद है मैं चाहूँगा कि इस पर अच्छे ढंग से काम करने की ज़रूरत है इस पर सोचने की ज़रूरत है इस पर समझने की ज़रूरत है उस विभाग को इस पर आगे आने की ज़रूरत है जो विभाग नदियों का संरक्षण करती है जो विभाग नदियों की देखरेख करती है जो प्राकृतिक संपदा को संजोने का काम करती है मेरा काम है इस चैनल का काम है कि वास्तु वस्तु स्थिति जो है ग्राउंड जीरो का जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाए और दिखाया भी अपनी जिम्मेवारी के साथ अब सोचना समझना करना यह उस विभाग का काम है जो इससे संबंधित है लेकिन सब मिला जुला कर की स्थिति यह है कि नदियों का हाल बड़ी 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 ही दयनीय है यही नदियाँ जो भारत में माता के रूप में जानी जाती है और जिस देश में नदी को माता कहा जाता है और उसी देश में नदियों की स्थिति हो तो जीना बेकार है क्या ज़रूरत है हमें नेता बनने की क्या जरूरत है हमें शासन बनने की क्या ज़रूरत है हमें प्रशासन बनने की जब हम इसकी संरक्षण नहीं कर सकते चूँकि इसी से जीवन है ये है तो हमारा जीवन है अगर ये नहीं तो हमारा जीवन नहीं है बस मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा कैमरे की दृष्टि से आपने जो देखा इस पर सोचिए इस पर समझिए और जो भी आला अधिकारी इस चीज़ को समझ सकें इसका संज्ञान लें और इसको सफाई कराने की कृपा करें और ये स्थिति कैसे सुधरेगी इस पर सोचने की जरूरत है धन्यवाद